Good morning. Today I am teaching you social science for class 8. This is chapter 4 of your political education, political science, that is the social administration and the court. So in this chapter we will discuss about the police and the courts. So as we know that the court plays an important role in providing justice to the people at various level. It punishes the criminal so that people may lead a life of peace and prosperity. Okay, so this is the symbol of court. The court also helps in the smooth working in the democratic government by exercising constitutional limits of extent of the government power. So first we will discuss about the hierarchy of the police force. Okay, what are the responsibilities and what are the parts of the police for the society? So as the district police hierarchy is divided into two parts. First is the superintendent of police and jailer. So here commissioner of the police, the commissioner is the head in the state, okay, who have the power to look out all the things, fine, called superintendent of police also. Then second superintendent of the police, superintendent is the head in district. Ye district mein aapka sabse bada hota hai, after the commissioner of the police or the commissioner of the head in state. Theek hai, iske under जो भी सुपरिटेंडेंट के द्वारा, जो भी आपका कमिश्नर के द्वारा रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं या जो भी वर्क दिया जाता है, द सुपरिटेंडेंट हैज टू डू. देन आफ्टर इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर हेड ऑफ द पुलिस और द स्टेशन और अ ग्रुप ऑफ पुलिस स्टेशन इज अ डिस्ट्रिक्ट. जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पुलिस स्टेशन है उसका हेड, या हम इसको कह सकते हैं इंस्पेक्टर और स्टेशन हेड ऑफिसर, इसको SHO भी कहा जाता है. उसके बाद आपके आ जाते हैं हेड कॉन्स्टेबल, ठीक है. इसके नीचे सब इंस्पेक्टर हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, जो कि इंस्पेक्टर के ही अंदर आते हैं. फिर आपका आता है हेड कांस्टेबल, ठीक है, और हेड कांस्टेबल के बाद आपका आ जाता है चौकीदार, ठीक है. तो हेड कांस्टेबल का भी काम धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका रैंक नीचे नीचे बढ़ता है, उसी हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम होती हैं. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप अपना ड्यूटी परफॉर्म ना करें. ईच एंड एवरी प्लेस, ईच एंड एवरी रैंक हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द पब्लिक एंड टूवर्ड्स द पर्टिकुलर एरिया वेयर दे आर पोस्टेड. ओके, सो लुक एट पुलिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट रोल प्लेज. द पुलिस इज द इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड एक्ट इज अ लिंक बिटवीन द क्रिमिनल एंड द कोर्ट. फॉर द पर्पज ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन द स्टेट इज डिवाइडेड इन टू द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एज आई एक्सप्लेन्ड यू हियर. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो the highest police officer at the district level is the superintendent of police, and each district is divided into 6 to 8 circles, and each circle is put under the provision of deputy superintendent of the police. तो जो हमारा highest police official है वो हर district का अलग अलग होता है, उसका main head superintendent होता है. and in each district we have 6-8 circles. now we will discuss about FIR. ओके, सो एटलीस्ट 10 पुलिस स्टेशन नोन एज द थानास आर पुट अंडर ईच सर्कल. सो ईच पुलिस स्टेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्पेक्टर. अगर हम FIR की बात करें तो सबसे पहले इट इज द रिटन रिपोर्ट ऑफ द क्राइम दैट इज रजिस्टर्ड आफ्टर द क्राइम हैज बीन डन. जब क्राइम हो जाता है उस क्राइम के बाद FIR में सबसे पहले उसको रिटन वे में लिखा जाता है. Okay, so that it would be become a proof that in this date this person has cased against, जिसने लिखवाया है उस particular बंदे का नाम. Then it contains information such as the date, time and description of the crime. वो crime कब हुआ, उसका date, उसका time, वो उसमें mention किया जाता है, ताकि एक valid दिन का हमें पता चले कि इस दिन में ये incident हुआ था, crime हुआ था.
देन आफ्टर द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट्स, जो भी कंप्लेंट हुई है वो कहाँ से कंप्लेंट हुई है, उस पर्टिकुलर बंदे का नाम और उस पर्टिकुलर बंदे का एड्रेस, उसको क्या प्रॉब्लम रहा होगा उस डेट पर उस टाइम पर, ये मेंशन करना ज़रूरी है. ओके, क्योंकि क्लेरिफाई करने के लिए एक रिटन कंटेंट का रिक्वायरमेंट ज़रूरी होता है. देन आफ्टर दिस इट वुड सो दैट कैन अ पर्सन डू व्हेन द पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज टू रजिस्टर एन FIR. अगर FIR को पुलिस रिजेक्ट कर देते हैं सुनने से, तो वो अपना जो रिटन रिपोर्ट है टू द कंसर्न सुपरिटेंडेंट को वो भेज करके ऑफिसर इन चेंज ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन, तो वो लोकल पुलिस स्टेशन से अगर उसको रिस्क नहीं सुना गया है तो वो उसके हायर सुप्री पर जा सकता है, सुपरिटेंडेंट के पास जा सकता है. देन डायरेक्टली मीट टू द सुपरिटेंडेंट और इवन हायर ऑफ ऑफिशियल, वहाँ पे वो हायर ऑफिशियल से मिल करके सच एज डिप्टी इंस्पेक्टर जो भी वहाँ का है उससे बात करके, देन उसके बाद गो डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट. फिर अगर वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं होती, वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और मैजिस्ट्रेट ही कैन केस फाइल अगेंस्ट अंडर द सेक्शन 156(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको अलाउ होता है कि वो केस फाइल कर सकता है एंड फाइल अ कंप्लेन इन स्टेट ह्यूमन राइट. अगर वहाँ भी उसका कंप्लेन नहीं सुनाई देता है, देन ही विल गो टू द ह्यूमन फॉर द ह्यूमन राइट कमीशन और सर्च फॉर अ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो NHRC एक बना हुआ है उसके तहत वो रिपोर्ट कर सकता है. Then these were set of principles or guidelines for the proper control in police system. तो जो हमारे DK something एक वो हैं, उन्होंने हमारे पुलिस का डिपार्टमेंट का सम प्रिंसिपल बने हुए हैं और रूल्स बने हुए हैं. द पुलिस शुड बी ऑलवेज बी इन अ लॉ इन्फ्लिक्ट एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट ऑन एनी वन इवन इट इज़ फॉर पिटी ऑफेंस. ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर पुलिस का बंदा अगर कहीं पाया जाता है तो बहुत ही बड़ा उसके लिए पिटी ऑफेंस होगा. ठीक है, तो वो किसी भी गलत काम में दिखाई नहीं देना चाहिए. दे शुड वेयर क्लीन विजिबल एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन दैट इज नेम एंड डेजिग्नेशन टैग. तो जो भी उनका रैंक है, जो भी उनका नेम है, वो बैज उन्होंने प्रॉपर पहनना है विद अ क्लीन देयर विजिबल ड्रेस. एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपनी पहननी होती है. दे शुड वेयर क्लीन एंड वेरी अट्रैक्टिव टाइप ऑफ ड्रेसेस सो दैट ईच एंड एवरी वन कैन चेक लुक आउट कि हाँ ये पुलिस है. ठीक है, क्योंकि सब उनका पुलिस से उनको जानते हैं. नाउ वी हैव द कोर्ट सिस्टम ऑल्सो. ठीक है, तो पुलिस का अपना जो कोर्ट सिस्टम है उसके अंदर अगर हम बात करें तो जो पुलिस है इट हेल्प्स टू ईच एंड एवरी वन इफ एनीबडी डू वायलेशन और कोई फंडामेंटल राइट्स हमारे एक्सप्लॉइट करता है तो हम केस फाइल कर सकते हैं. एक पब्लिक प्रोसीडर्स का ये काम करता है. द पब्लिक प्रोसीडर इज अपॉइंटेड एंड पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. हिज मेन फंक्शन इज टू सिक्योर द प्रोस्पेक्शंस ऑफ द ऑफर्ट्स टू कीप द सोसाइटी फ्री फ्रॉम क्राइम. इसका मेन काम होता है कि वो क्राइम से हमको बचाए. ओनली दोज पर्सन आर एलिजिबल टू बिकम द पुलिस इंस्पेक्टर हु हैव सक्सेसफुल कम्प्लीटेड 7 years इन बार एसोसिएशन हैव ऑल्सो क्लियर्ड एन एग्जामिनेशन दैट इज कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो द पब्लिक प्रोसीडर्स वेन ऑल द इन्वेस्टिगेशन हैव बीन डन एट द चार्ज शीट इन कोर्ट इज फिल्ड द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बिगिन. तो जब सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर देते हैं, सारी चीज़ें चेक कर ली जाती हैं, उसके बाद जो भी कंप्लेन है उसको प्रोसिक्यूट्स को आगे के लिए भेज दिया जाता है. ठीक है, क्योंकि कोई भी क्राइम हुआ है उसके बारे में स्टडी किया जाएगा, क्लेरिफाई होगा. जब वो जारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर वो आगे भेजी जाती है. द गवर्नमेंट अपॉइंट्स हिम टू डिफेंस द स्टेट इन ऑल क्रिमिनल मैटर्स. ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है पुलिस का भी कि जो पर्टिकुलर बंदा रिपोर्ट कर रहा है उसको सब तरह से सेफ किया जाए. नाउ डिफेंस लॉयर अ लॉयर अपॉइंटेड बाय द साइड ऑफ द एक्यूज फॉर हिज और हर डिफेंस. अब यहाँ पे थ्रू द प्रोसिक्यूटर
ही मस्ट बी प्रोवाइडेड अ लॉयर जो कि उसके हेल्प करता है उसको केस सुलझाने के लिए, डिफेंस करने के लिए. अ जज हायर ऑल द विटनेसेस एंड एग्जामिन द एविडेंस. उसके बाद जज के सामने सारे विटनेसेस, सारे एग्जामिन्स उसके सामने लिए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं बाय द प्रोसिक्यूटर्स एंड द लॉयर. जो भी प्रोसिक्यूटर्स है, जो भी पुलिस सुपरिटेंडेंट, जो भी पुलिस वाले बंदे ने जिसका उसका सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास है, या जो भी लॉयर के पास है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जज के पास क्लेरिफाई करता है. विटनेस के रूप में अगर कोई बंदा है तो उसको भी लेके आते हैं, एग्जामिन किया जाता है. द एविडेंस शोन प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूटर्स एंड फॉर वन मोर वर्क इज फायर ट्रायल. सो अ फायर ट्रायल हेल्प्स टू फाइंड वेदर द एक्यूज्ड इज गिल्ट और नॉट. तो एक फेयर ट्रायल होता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि जो एक्यूज्ड है वो रियली में गिल्ट उसने किया है या नहीं किया है. ठीक है, तो इसके इसमें भी ये होता है कि द एक्यूज्ड इज गिवन अ कॉपी ऑफ द एविडेंस एंड द चार्ज शीट फिल्ड बाय द प्रोसिक्यूटर. तो जो प्रोसिक्यूटर के द्वारा उसको एक चार्ज शीट फिल करने को दिया जाता है कि क्या क्या हुआ था उस दिन, वट एवर ऑल द थिंग्स ही विल फिल्ड इन डिटेल. ओके, सो दैट दे क्लेरिफाई ऑल द थिंग्स. द पीपल प्रेजेंट इन द हियरिंग आर जज एंड एक्यूज प्रोस्पेक्टर्स लॉयर विटनेस एक्सेट्रा. तो जो उस पर्टिकुलर उस जगह पर जहाँ पे निर्णय लिया जा रहा है वहाँ पे पीपल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम जज कहेंगे. जज होता है, एक्यूज होता है जिसने काम किया है, जो एक्यूज है क्रिमिनल है, एंड एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं. देन द विक्टिम एंड द फैमिली ऑफ द विक्टिम अपीयर्स बिफोर द कोर्ट व्हेन समॉन्ड. ठीक है, जब उनको पर्टिकुलर कोई डेट दे दी जाती है तो उस पर्टिकुलर डेट में वो विक्टिम, उसके साथ उसका फैमिली और जो भी उनका लॉयर होता है वो वहां पर पे आता है ताकि उसको फाइनलाइज किया जाए. द लॉयर इज अपॉइंटेड टू द एक्यूज्ड हु हैज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द विटनेसेस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूटर. तो यहाँ पे लॉयर अपॉइंट किया जाता है ताकि जो भी उसने लॉयर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो क्रॉस एग्जामिन करे जो उनका विटनेस है, उससे सवाल जवाब करे. एवरी वन प्रेजेंट इन द हियरिंग कैरिंग आउट द प्रोसेस impartially so the accused gets a fair trial respective of his caste, race and religion. तो जितने भी people वहाँ पे present होते हैं उनके सामने उनसे कुछ उससे question किया जाता है criminal से. अगर अभी भी वो मतलब उसने अगर crime नहीं किया है वो अपने को clarify कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी caste, race और religion से fact नहीं पड़ता. तो उसके बाद अगर वो crime किया है तो उसको punishment मिलता है, crime नहीं किया तो उसको छोड़ दिया जाता है. तो this much is all of the police and the court. Okay, so we all have to be respect to all our police.